सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग मैसेज कर रहे हैं मुझे कि सर हमें चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए कि हम सिलेबस को कवर करने के बाद उन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से एक बार और पढ़ लें। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सारा ही सिलेबस इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी मैं इस बात को समझता हूँ कि सिलेबस कवर करने के बाद स्टूडेंट्स अक्सर ये चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर सिलेबस या चैप्टर्स में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हों, जिनके ऊपर सवाल पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो, उनको हम दोबारा कर लें। तो मैं वो टॉपिक्स छांट कर आपको ये बताता हूँ कि आप उनको दोबारा करिएगा इसमें। लेकिन मैं एक बात पहले से आपको ये बता दूँ कि ये तजुर्बे की बुनियाद पर या पिछले पेपर्स को देखकर बताई जा रही हैं बातें, लेकिन ऐसा कोई सेट उसूल या रूल नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही आएगा। हाँ, पढ़ना तो आपको सभी है, सारा सिलेबस ही पढ़ना है, फिर विद बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड एक्सपीरियंस मैं आपको चंद टॉपिक बताऊंगा कि जिनको आप ज़्यादा स्ट्रेस देकर करिएगा। यू सी, जब हम पहले चैप्टर को बाइफरकेट करते हैं, उसको कंपोनेंट्स में तब्दील करते हैं, तो जो पहला चैप्टर है मोशन, उसके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं सिलेबस के, रिविजन के लिए नहीं सिर्फ सिलेबस के, वो ये सात बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव एंड सिक्स एंड सेवन, सब आपके सामने लिखा हुआ है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये जो चार टॉपिक हैं शुरू के, ये तो बेसिक्स हैं काइनेमेटिक्स के, इनको तो आप करेंगे ही सिलेबस के, है ना, इनको तो आप करेंगे ही, पूरा सिलेबस ही इन चार टॉपिक से मिलके बना, ठीक है। आफ्टर दैट जब न्यूमेरिकल्स शुरू होंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन की बारी आएगी, जब पिक्टोरियल फिगर्स की बात आएगी तो हम ग्राफ की बात करेंगे, देन सर्कुलर मोशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, बट इससे भी सवाल पूछे गए हैं पिछले दिनों में, सर्कुलर मोशन और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मिलाकर सवाल पूछा गया है। तो ये सारे टॉपिक्स तो आपको करने ही हैं, और मौका मिला तो सभी का रिवीजन करिएगा, लेकिन अगर टाइम कम हो तो जो दो टॉपिक मैं बता रहा हूँ तो उनको ज़रूर रिवाइज करिएगा, एक तो ये एवरेज स्पीड और वेलोसिटी, और एक आपके ग्राफ, तो इनमें क्या चीज़ आपको पढ़नी है, इम्पॉर्टेंट किस नज़रिए से इन दो टॉपिक को देखना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम एवरेज स्पीड और वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, ये एक ही टॉपिक है बेसिकली, और फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल अक्सर आता है। इसके ऊपर कोई सा भी न्यूमेरिकल आए, मैंने ये देखा है कि एक जो फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, जिसको मैं कहूँ यू एवरेज, ठीक है, जो मैं जुबान से बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये नोमेनक्लेचर या ये जो लिखा है मैंने यू ए वी, बहुत से लोग अलग अलग लिखते हैं इसको, एस ए वी लिखते हैं या कुछ लिखते हैं, तो ये याद रखिए, यानी एवरेज स्पीड का जो एक फॉर्मूला है कौन सा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट भी बोलेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम टेकन से, ठीक है, टोटल टाइम टेकन। ये फॉर्मूला 90% केसेस में हर जगह लग जाएगा, हालांकि ये फॉर्मूला थोड़ा लेंथी पड़ता है, टोटल डिस्टेंस निकालना, फिर टोटल टाइम निकालना, उसके बाद फिर एवरेज वेलोसिटी निकालना या एवरेज स्पीड निकालना, लेकिन ये हर जगह लग जाएगा। अगर आप भूल जाएं सब कुछ, तो ये फॉर्मूला लगाइएगा। उसके बाद दो पॉइंट और बता रहा हूं इस टॉपिक से रिलेटेड, जो आपके काम आएंगे 100%। आप प्रॉब्लम्स को ध्यान से अगर देखेंगे तो दो तरह की प्रॉब्लम्स आपको और मिलेंगी। किस तरह की प्रॉब्लम मिलेंगी, कि एवरेज स्पीड निकलवाई है, एवरेज स्पीड क्वेश्चन में पूछी है, और हमको दो अलग अलग स्पीड दे रखी है, दो अलग अलग स्पीड U1 दे रखी है और U2 दे रखी है, और ये U1
एक डिस्प्लेस एक डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के लिए है, सपोज एक्स के लिए, एक्स डिस्टेंस के लिए, और ये यू टू भी उसी एक्स डिस्टेंस के लिए, यानी डिस्टेंस दो बराबर डिस्टेंस ट्रेवल की है किसी व्हीकल ने दो अलग अलग स्पीड से। बात समझ में आई? तो इस केस में यू एवरेज निकलवाई है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइएगा जो मैं बता रहा हूं। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगेगा, 2u1 u2 / u1 ये लंबा वाला फॉर्मूला मत लगाइएगा, ये वाला लगाइएगा, टाइम बच जाएगा, एक मिनट में एक इंडो इस्लामिक कल्चर का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये फॉर्मूला लगाएंगे इस वाली कंडीशन में। जो एक और तरह की प्रॉब्लम आती है, हालांकि इसकी चांसेस कम रहते हैं, कि यू एवरेज निकलवाई हमसे, दो अलग अलग स्पीड दे रखी है, u1 दे रखी है और u2 दे रखी है। u1 दे रखी है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए और u2 दे रखी है उतने ही टाइम के लिए, यानी इक्वल टाइम वाली प्रॉब्लम है। जो सेकंड वाला पॉइंट था वो कब किसके लिए था, वो इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए था, और ये क्या है, ये इक्वल ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, इक्वल ड्यूरेशन टाइप प्रॉब्लम। तो इस वाले केस में आप कैसे निकालते हैं यू एवरेज इसमें डायरेक्ट निकाल देंगे आप u1 + u2 / 2। इस वाले केस में कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए, बात समझ में, एक्सेलरेशन फिक्स होना चाहिए। दूसरे वाले केस में एक्सेलरेशन फिक्स होने की जरूरत, कॉन्स्टेंट होने की जरूरत नहीं है। बस उतना ही बताऊंगा, ग्राफ के ऊपर बताऊंगा एक बात, सिर्फ ये दो टॉपिक के ऊपर क्लियर करूंगा। ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्राफ में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहला ग्राफ आपको पढ़ना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, XT ग्राफ कहता हूं मैं इसको। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपको क्या पढ़ना है, दूसरे नंबर पर पढ़ना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ, उसको मैं यूटी टाइम ग्राफ कहता हूं। अब मैं पूरे ग्राफ तो नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ग्राफ में पढ़ा चुका हूं, यूट्यूब पर देख लीजिए आप। इसमें इसको किस नजरिए से पढ़ना है आपको वो मैं बता रहा हूं। जैसे XT ग्राफ है, ठीक है, टाइम को नेचुरली एक्स एक्सिस पे लेंगे और डिस्टेंस को हम वाई एक्सिस पे लेंगे। ओके, बात समझ में आती है? अब ये कितनी तरह का हो सकता है वो पढ़ना है। जैसे एक तो ग्राफ ऐसा हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है कि डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जा रहा है। तो इस वाले केस में यू कॉन्स्टेंट है यानी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट, और एक्सेलरेशन कैसा है, एक्सेलरेशन जीरो है। इस तरीके से पढ़ना है। दूसरा, इसका स्लोप हमें क्या देता है, इसका स्लोप हमें यू देता है, स्पीड देता है। ठीक है, स्लोप कॉन्स्टेंट है, पॉजिटिव है, तो यानी स्पीड पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब चीज रेस्ट पर है, मोशन हो ही नहीं रहा। क्या बात समझ में आ रही है? ये वाले जो ग्राफ है ये क्या बता रहा है, ये यूनिफॉर्म मोशन बता रहा है। इसी तरह से यूटी ग्राफ भी कई तरीके के होंगे, मैं सिर्फ आपको एक हिंट दूंगा कि आपको क्या किस तरीके से उसको समझना है। यूटी ग्राफ है, फॉर एग्जाम्पल ये है यूटी ग्राफ, स्ट्रेट लाइन है। इस वाले केस में वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है कॉन्स्टेंटली, दैट इज एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं, एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये वाला होगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये होगा, ये जो मैं बना रहा हूं जिसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा ये वाला। ठीक है, इसमें यू कैसी है, यू कॉन्स्टेंट है और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन जीरो है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। बात समझ में? तो इस तरीके से पढ़ना है। फिर इसका इसके एरिया अंडर द कर्व हमें क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट देगा, स्पीड टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस। हालांकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क पूछा नहीं जाता इस तरह के क्वेश्चन में, आपसे या तो डिस्टेंस पूछा जाएगा या डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, तो एरिया निकाल लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी आए। तो आप ये इंपॉर्टेंट है बस, इसके अलावा मैं और कोई बात नहीं करना चाहता। अगर आपके पास टाइम हो तो आप सारा ही रिवाइज करिए, टाइम कम हो तो फिर ये दो टॉपिक जरूर रिवाइज करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।